अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ACF। ACF की फुल फॉर्म होती है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जितने भी मीडिया होते हैं ऑलमोस्ट वो सेम होते हैं, चाहे वो सिंगल मीडिया, डुअल मीडिया या मल्टी मीडिया। ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इसमें एक वेंट लगा होता है जो एयर निकालने के लिए होता है, ऊपर हैंगर लगे होते हैं जो इसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए होता है, पीछे मेन होल होता है जिससे हम मीडिया चेंज करते हैं। ये जो आपको जगह नजर आ रही है यहाँ से लेके नीचे तक ये जगह खाली होती है, यहाँ पे एक प्लेट लगाई जाती है जिसे स्टेनर प्लेट भी कहते हैं। यहाँ पे स्टेनर नोजल भी लगाई गई होती है जो कि फिल्टर की तरह होती है छोटी छोटी। इसके ऊपर हमारे पास पिबल्स होते हैं। पिबल्स की अगर हाइट की बात करें तो ये 150 mm तक होते हैं, और अगर इसके साइज की बात करें तो ये 1.5 से 2 इंच तक के होते हैं। फिर इससे ऊपर इससे छोटे वाले पिबल्स आ जाते हैं जिसकी हाइट जो होती है वो 100 mm तक होती है, और उसका जो साइज होता है वो 1 इंच होता है। इससे ऊपर फिर ग्रेवल आ जाते हैं जिसका जो साइज होता है वो 1/2 इंच होता है, और अगर हाइट की बात करें तो वो 100 mm तक होती है। उसके ऊपर हमारे पास फिर कोर सिलेक्स आ जाता है। कोर सिलेक्स की अगर हाइट की बात करें तो 100 mm तक होती है, और उसका जो साइज होता है वो 6 mm से लेके 8 mm तक होता है। उसके ऊपर हमारे पास फिर फाइन सिलेक्स आ जाता है। फाइन सिलेक्स की अगर हाइट की बात करें तो 100 mm तक होती है, और जो उसका जो साइज होता है वो 4 mm से लेके 4 mm तक होता है या 6 mm तक होता है। इसके ऊपर फिर हमारे पास आ जाता है एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन जो होते हैं जो उसे दो तरीकों से तैयार किया जाता है, या तो वो ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन होगा या वो पाउडर शेप में होगा। जो ग्रैनुलर होता है उसका जो साइज होता है वो 0.2 mm से लेके 5 mm तक होता है, और इससे ऊपर जो हमारे पास दूसरा जो होता है पाउडर वाला उसका जो साइज होता है वो 1 mm से लेके 150 mm तक होता है। इसे एक्टिवेटेड कार्बन क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर हम एक और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और ये वर्किंग किस तरह करता है, ये भी इसी तरह होता है जैसे मल्टीमीडिया वर्क करता है। और ये ऊपर से पानी जाता है, ऊपर फिन से लगी होती है, पानी इस तरह नीचे गिरने के बाद के इस तरह तरतीब से सबसे पास होने के बाद नीचे हमें परमिएट वाटर मिलता है। इसमें हमारे पास टॉप पे जो होता है वो एक्टिवेटेड कार्बन होता है। एक्टिवेटेड कार्बन इसके अंदर भाई कितना डालना है वो इसकी शेप के ऊपर होता है। वैसे जो नॉर्मल जो इसके अंदर डाला जाता है वो 500 mm से लेके 900 mm तक का होता है। अब एक्टिवेटेड कार्बन हमारे पास कोई भी हो सकता है, जैसे हमारे पास एक्टिवेटेड कार्बन जिसमें ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा जैसे एंथ्रासाइट हो गया, उसके अंदर 80% होता है कार्बन कंटेंट। उसके अलावा हमारे पास चारकोल हो सकता है, या जो हमारे पास कोकोनट सेल भी हो सकता है। उसको किस तरह एक्टिवेट किया जाता है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा। और ये जो हमारे पास ACF लगा हुआ है, जो हमारे पास रॉ वाटर आ रहा होता है, रॉ वाटर में हमारे पास दो किस्म की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इसमें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होगी हमारे पास और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ वगैरह होगी। अब इधर जो होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इम्प्योरिटीज़ जितनी भी होती हैं उनको रिमूव करने के लिए ये लगाया जाता है, और ये हमेशा मल्टीमीडिया के बाद लगाया जाता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास जो है वो शुगर आ जाता है, अल्कोहल आ जाता है, फिनोल आ जाता है, और इसमें जो हम पीछे से हम बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं, वो क्लोरीन अंदर आती है उसको किल करने के लिए हम ये लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑडर हो गया, स्मेल हो गई और कलर हो गया, जैसे डस्ट वाला पानी होता है हमारे पास, टर्बिडिटी वाला होता है, इसके अंदर वो भी रिमूव की जाती है। ऐसे इसके अंदर जो है वो कम टर्बिडिटी वाला पानी देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो एक्टिवेटेड कार्बन लगाया जाता है उसके साइज बहुत छोटे हो जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी वो चौक हो जाते हैं।
उसके अलावा ये है कि भाई पानी ऊपर से आने के बाद हमेशा ऊपर से इन किया जाता है, ऊपर से आने के बाद स्टेप बाई स्टेप नीचे आता जाएगा। और इसमें हमने इन पे भी गेज लगा दिया और आउट पे भी गेज लगा दिया। इन की हम प्रेशर जो है ना वो इसकी मेजरमेंट करते रहते हैं, जो इसका नॉर्मल जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो 5 PSI से लेके 7 PSI तक होता है। जब ये इसका प्रेशर बढ़ता है तो हम इसकी बैक वॉश करते हैं। बैक वॉश के ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो बना दिया, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो हमारे पास क्लोरीन होती है उसको किस तरह ख़त्म करते हैं, क्लोरीन को ख़त्म करने की जो इक्वेशन होती है, इसमें कार्बन होता है प्लस हमारे पास 2Cl2 हो गया और प्लस 2H2 हो गया, और वो हमारे पास फिर आगे जाके जो है ना वो 4 TCl बनता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस तरह हम क्लोरीन को किल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, न्यू मेंबर के लिए गुजारिश है। उसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसको एक्टिवेट किस तरह करते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा।